खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने रखा कुकर, इसमें हम डालेंगे तेल, और मैं हमेशा सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ खिचड़ी बनाने के लिए। बाद में मैं देसी घी का तड़का लगाती हूँ ऊपर से। तो ये हमने डाला तेल, तेल के गर्म होते ही हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा इसमें, और साथ ही डालेंगे हींग। फिर हम डालेंगे इसमें प्याज, ये मैंने एक प्याज लिया जिसे थोड़ा कट कर लिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम पकाएंगे प्याज को। आप चाहें तो इसमें एक हरी मिर्ची काट कर भी डाल सकते हो। अब इसमें मैं ऐड करूंगी ये कश्मीरी लाल मिर्ची और साथ ही में हल्दी। ये तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली ही चीज़ें डलती हैं, जितना आपको तीखा पसंद है आप उसके अकॉर्डिंगली ही ग्रीन चिली इसमें डालेंगे। ये प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है और मसाला भी अच्छे से भून गया है, हमारी मिर्ची और हल्दी जो हमने डाली थी। फिर मैंने एक टमाटर लिया है बड़ा, उसको कद्दूकस करके इसमें ऐड कर दिया। कितना सुंदर कलर आ रहा है। ये खिचड़ी मैं डिफरेंट टाइप से बनाती हूँ। साथ ही में हम ऐड करेंगे एज पर योर टेस्ट सॉल्ट, नमक स्वाद अनुसार। जब ये मसाला हल्का सा हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे। मैंने दो सब्जियां, एक शिमला मिर्च, आधी शिमला मिर्च और एक गाजर, इनको छोटा छोटा कट कर लिया था चॉपर में। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। हमने इसको अच्छे से इसमें ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फ्राई करेंगे ताकि ये मसाले में अच्छे से आ जाए, मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैं घर में बनाती हूँ गरम मसाला, उसको। अभी तो खिचड़ी खिचड़ी जैसी बनेगी, खिचड़ी खिचड़ी जैसी भी बनेगी और उससे टेस्टी भी बनेगी। नॉर्मली खिचड़ी सुन के सब लोग वो हो जाते हैं, मुँह बनाते हैं कि खिचड़ी, बट मेरे घर में खिचड़ी मुझे और मेरे हस्बैंड को और मेरी मदर इन लॉ और मेरे बड़े बेटे को, हम चारों को बहुत पसंद है। ये मसाला हो गया हमारा अच्छे से, देखो कितना सुंदर कलर आया। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो चावल और दाल मैंने भिगो के रखी थी। ये मैंने चावल और दाल पहले 10 मिनट पहले भिगो दी थी, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। मैं जो क्वांटिटी डालती हूँ दाल और चावल की, उसमें जितने चावल होते हैं उससे डबल मैं दाल ऐड करती हूँ। और मैं इसमें आप देख सकते हो दो कलर की दाल है, एक मूंग है और एक मसूर है। तो अगर मैंने आधा कप चावल लिए हैं तो एक कप मेरी दाल होगी, इसलिए मैं हमेशा दाल ज़्यादा डालती हूँ इसमें, तभी इसमें टेस्ट आता है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपको पता है खिचड़ी में थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, तभी खिचड़ी टेस्टी बनती है। तो ये हमने पानी को ऐड कर दिया। ये देखो, अब हम इसको ढक के दिलवाएंगे 5 से 6 विसल, और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे घी का तड़का। तो हमारी ये खिचड़ी रेडी है, अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। दही, अचार, सैलेड, और यहाँ है हमारे पापड़। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं ऊपर तड़का लगाऊंगी घी का, ये घी में मैंने जीरा अच्छे से भून लिया है, और ये हमारा घी रेडी, और ये रही खिचड़ी। इन्जॉय एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।